हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल SKB गुरुजी पे। दोस्तों, RRB NTPC CBT 1 के कुछ स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम फेज 5 में होने वाला था, वो फेज 4 में ऐड कर दिए गए हैं। अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, एग्ज़ाम सिटी और डेट इंटीमेशन चेक करना चाहते हैं, तो किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कीजिएगा RRB भोपाल, ये आप सर्च कर दीजिए। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आइएगा आप, और इसमें आप देख सकते हो डेट यानी 12 तारीख में एक नोटिस इन्होंने अपडेट किया हुआ है। तो इस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, इस नोटिस को देख सकते हो, या इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसके सामने एक पेज ओपन होके आ जाएगा। ये PDF फाइल पहले डाउनलोड होगी, उसके बाद आपके सामने ओपन होके ये आ जाएगी। तो इस तरीके से नोटिस है, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको चेक करने का प्रोसेस बता देता हूँ कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो इस पेज में है या नहीं। तो आपको दोस्तों इस पे क्लिक करना है, ये जो है ना लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन स्लिप, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो अपने मेल में, जो आपने मेल रजिस्टर किया था NTPC का फॉर्म भरते टाइम, तो उस ईमेल में सर्च कीजिएगा RRB स्पेस रजिस्ट्रेशन, इतना आप सर्च कर दीजिएगा तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद डेट ऑफ मंथ डालिएगा, डेट यहाँ पे डालिएगा, मंथ यहाँ पे डालिएगा, ईयर यहाँ पे डालिएगा, और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं अपना इसमें रजिस्ट्रेशन डेट और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका एग्ज़ाम इस पेज में होगा तो एग्ज़ाम डेट और सिटी इंटीमेशन आपको दिखा देगा। अगर इस पेज में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो इस तरीके से आपको दिखा देगा कि डियर कैंडिडेट, यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट पेज, प्लीज वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम RRB। तो इस तरीके से आप अपने RRB NTPC CBT 1 का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है इस फेज में आया या नहीं। तो ये पूरा तरीका है दोस्तों चेक करने का। आगे भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, तो इस YouTube चैनल से आप जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।